हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदनास कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चकली की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले देखते हैं चकली का आटा कैसे बनता है। तो इसके लिए मैंने 1 किलो पुराना चावल लिया है और इसे पानी के नीचे अच्छे से साफ करके लेना है। 2-3 बार पानी के नीचे निकालने के बाद इसका पूरा पानी निचोड़ कर लेना है और इस तरह से एक कॉटन के कपड़े पर इसे सुखाने के लिए रखना है। या तो आप घर के अंदर फैन के नीचे रख सकते हो या धूप में भी रख सकते हो। तकरीबन 1 दिन में सूख जाता है। तो 1 किलो में इस तरह से 4 ग्लास चावल और 1 ग्लास चना दाल लेनी है और 1 ग्लास उड़द दाल। एक एक करके रोस्ट करके लेना है। तो सबसे पहले मैं चावल अच्छे से सेक के यानी रोस्ट करके ले रही हूँ। तो कम से कम 20 मिनट लगेंगे चावल को रोस्ट करने में। रोस्ट करते करते थोड़ा फूल जाएगा, तब तक इसे रोस्ट करना है। ब्राउन नहीं करना है या नीचे लगने नहीं देना है। कंटिन्यूसली इसे हिलाते रहना है और एक परात में इसे निकाल कर लेना है। अब उसी कढ़ाई में चना दाल डालनी है और उसे भी 1-10 मिनट तक रोस्ट करके लेना है। रोस्ट की हुई चना दाल भी चावल के ऊपर डालनी है। अब लास्ट में हम उड़द दाल रोस्ट करेंगे। चकली बनाते समय आटा अच्छे से बनना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत केयरफुली और आराम से इसे बनाना है। तो इस तरह से अपनी उड़द दाल भी गर्म हो चुकी है, उसे भी चावल और चने के ऊपर डालना है और इसे अच्छे तरह से मिक्स करना है। अब लास्ट में उसी कढ़ाई में 1 मुट्ठी काली मिर्च डालकर उसे भी 1-2 मिनट के लिए रोस्ट करके लेना है और उसे भी मिश्रण के ऊपर डालना है। 2 चम्मच साबुत धनिया लेना है और उसे भी 1-2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। अब गैस बंद करना है और धनिया को भी चावल के ऊपर डाल देना है। अब पूरी सामग्री रोस्ट होके तैयार है। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करना है। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे चक्की में आटा पीसने के लिए देना है। मिक्सी पॉट में 1-1 चम्मच धनिया, जीरा और अजवाइन लेना है और इसे ग्राइंड करके इस तरह से पाउडर बनाकर लेनी है। गैस पर मैंने बड़ा पतीला रख दिया है। एक डीप पैन लेना है, उसमें मैंने 7 ग्लास पानी डाला है। तो 1 किलो आटे के लिए 7 ग्लास पानी। थोड़ा गुनगुना होने के बाद इसमें 2 चम्मच तेल डालना है, 2 या 1.5 चम्मच भी डाल सकते हो। इसमें क्रस्ट किया हुआ मसाला डालना है, 2 चम्मच तिल, 1 चम्मच खसखस, 1/2 चम्मच हींग और 1/2 चम्मच हल्दी डालनी है और स्वादानुसार नमक डालना है। अब इसमें मैं 6 चम्मच घाटी मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर अपने अंदाजे से तीखा के हिसाब से डाल सकते हो। अब इसे एक बार अच्छे से उबाल कर लेना है। 2-3 मिनट के लिए इसे उबाल आने के बाद 3-4 चम्मच पानी में बाहर निकाल कर रख रही हूँ। कभी कभी आटा डालने के बाद पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सेफेस्ट साइड 1/2 कटोरी पानी बाहर निकाल कर रखना है और ज़रूरत पड़े तो इसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा मिलाना है और इस तरह से पूरा आटा मिलाकर इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करना है। अब गैस बंद करना है और इसे नीचे उतार कर लेना है और आटा अच्छे से इस तरह से मिक्स करके लेना है। अब मसाले वाले पानी में आटा अच्छे से मिक्स करके लेना है। अगर ड्राई लग रहा है तो निकाला हुआ जो पानी है वो डालकर इसे मिक्स करना है। देखिए थोड़ा सूखा लग रहा है, तो सारा पानी जो साइड में निकाल कर रखा था पूरा उसमें मिलाना है और एक बार मिक्स करके इस पर ढक्कन लगाकर 20 से 30 मिनट तक इसे
साइड में रखना है। 30 मिनट बाद देखिए आटा थोड़ा फूलकर इस तरह से आता है। तो इस तरह से एक प्लेट में या परात में थोड़ा थोड़ा आटा निकाल कर इसे गूंदना है। आप चाहे तो पानी का थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ मैंने थोड़ा सादा पानी लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके आटे को गूंद कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से 4-5 मिनट के लिए इसे गूंदना है और इस तरह से गोला बना कर लेना है। तो सेमी टाइट डो बनकर तैयार है। इस तरह से डो बनाकर मैंने लिया है। अब गैस पर कढ़ाई रखनी है और उसमें तेल गरम करने के लिए रखना है। अब यहाँ मैंने चकली का साँचा लिया है, उसमें चकली की पात रखनी है और उसमें थोड़ा आटा भरना है। अब इस तरह से उसमें आटा भरना है, इस तरह से बंद करना है और चकली निकाल कर लेनी है। चकली अच्छे से गिर रही है, टूट नहीं रही है, इसका मतलब मिश्रण और आटा अच्छे से बना है। तो इस तरह से सारी 8-10 चकलियाँ निकाल कर लेनी है। छोटी चकली डालकर यहाँ चेक करना है तेल अच्छे से गर्म हो चुका है कि नहीं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इसमें मैं 3-4 चकली मिला रही हूँ। चकली डालने के बाद उसे जल्दी ही पलटी नहीं करना है, थोड़ा फ्लेम मीडियम करना है। 1-2 मिनट चकलियाँ थोड़ा ऊपर आएंगे तेल के, उसके बाद उसे पलटी करना है। आराम से हल्के हाथों से अच्छे से झारे की मदद से पलटी करना है। 1-2 बार पलटी करने के बाद तेल में इस तरह से नीचे थोड़ी बैठने लगेगी, इसका मतलब चकली अच्छे से फ्राई हो चुकी है। सुनहरा कलर आने तक इसे फ्राई करना है, ना थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करना है ना थोड़ा येलो रखना है। तो अच्छे से इस तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है और देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और बहुत टेस्टी भी बनी है। तो इस तरह से भाजनी चकली बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी बनी है। तो लीजिए तैयार है चकली। अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।